कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती हैं, और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है। वो कोई भी वर्ग आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्वकर्ता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे, और सबसे बड़ा सम्मान जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है, और हम लोग मिलके इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया, और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है ये भी उन्होंने बताया है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिल के करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबके बताने दिया सब कुछ आ गया, तो विषय बचा हुआ नहीं। मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकाल, क्योंकि एक तो मां बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, मां बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। उसने जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी, और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिव सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, 5 लाख तो हम संन्यास लेंगे, और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया था, 7,000 रुपया भत्ता देंगे, एक भी लोगों को माँ बहनों के लिए भी देखे चूल्हा खर्च उन्होंने कहा था कि 2,000 रुपया महीना देंगे। पूरे 5 साल गुजर गया, एक भी महीना नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, एक भी नहीं दिया। गरीबों को बताया था 72,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। एक तरफ उन्होंने ठगा है, लूटा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी नहीं दे पाई। इन 5 वर्षों में मां बहनों के साथ जितनी जो जुल्म हुई है, दुष्कर्म हुआ है, 2022 में तो भारत में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर है।
क्या झारखंड की जनता इन चीजों से अपने आप को मुक्त होना चाहती है। जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए राजनीति करते बार बार आदिवासियों का नाम लेते हैं, लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति क्या है, उनकी जमीन लूटी जा रही है, बचाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, थाना जाते हैं, पुलिस के यहाँ सीओ अंचल जाते हैं, वीडियो के यहाँ डीसी के यहाँ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस रांची के आसपास ही अगर आप देखेंगे, जमीन के दलाल और बिचौलिया चारों तरफ घूम रहे हैं, जबकि सेना की जमीन तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी लोगों ने फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने बेच डाला। और आज तो इस प्रदेश में जब डेमोग्राफी बदली है, आदिवासी लोग चिंतित है, जहां 36% के करीब आबादी थी, आज मात्र 26% आबादी रह गई है संपूर्ण झारखंड। उसमें भी जब हम संथाल परगना को देखते हैं तो 1951 में जहां 44% आबादी थी वहां पर आज मात्र 28% आबादी रह गई है, यानी 16% की यह गिरावट। आज आदिवासी समाज बिल्कुल चिंतित है, उन्हें लगता है कि लगता नहीं कि स्वाभाविक है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट, क्योंकि उनको एक तो जमीन से भी वो बेदखल हो रहे हैं, उनकी रोटी, उनकी जगह जगह पर बेटी, सब जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। और राज्य सरकार को बताने के बाद भी और उसमें कोई चिंतित नहीं है, क्योंकि वो अपना वोट को ध्यान कर रही है। और इसलिए हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है उसको भी ठीक करना है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे जो मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सम्मिलित रूप से जाएंगे और चुनाव के मैदान में। तो मुझे लगा कि आज विषय सब कुछ आ गया है, इसलिए मैं अपनी ओर से विषय को मैं यही समाप्त करता हूं। आप सबको हमारे दोनों नेता यहाँ उपस्थित है, अगर कोई प्रश्न हो, हम लोगों से तो आप सब लोग बात करते ही रहते, इन दोनों से किसको आप दोनों को बात करें। सुदेश जी से सवाल था, ये पूरे जो हमारा गठबंधन का पूरा मापदंड है, मैं ये शब्द हम लोग ने कभी भी जन्म लेने ही नहीं दिया। हमारा पूरी जो परिस्थिति बनी वो सीधे सीधे राज्य को सामने रख के हालात से बन गई, और मैंने कहा संबंध बताने की आवश्यकता नहीं आपको, हम लोग आपस में समन्वय किए। एक शब्द हम लोग कभी भी गठबंधन के बारे में नई भारतीय जनता पार्टी से ना से आपने कभी ना सुना होगा, जब निर्णय आया तो हम आपके पास आए। भाई आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया, ये हम लेट हैं, हम लेट हैं। मैं आपको बताया था कि 48 आवर्स का बाद ही हमारा हो जाएगा। आज पहला सरल जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रमुख था कि आज हमारा ये हो गया, तीनों दल कहां कहां में लड़ेगा, ये प्रोसेस आज हम लोग कंप्लीट किया हो। लगभग सारे सीटों का बारे में हमारा चुनाव कमेटी में चर्चा हो चुका है। हम आशा करता हूं कि केंद्रीय चुनाव कमेटी महाराष्ट्र का साथ ही पहला झारखंड का सूची जारी करेगा, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। सीएम का सहरा आप ही, सारे सारे दिन का चलता है, सारे हमारा भगवान है, उनको हम लोग मिलकर सवाल बताया ना, कोई जवाब है, ये पूरा जवाब है। इस जवाब से ही आप ये समझ लीजिए कि हम जब भी कुछ सिद्धांत होता है आपका सामने आता हूँ, और जब जब सिद्धांत होगा तभी हम ना जवाब दूंगा सिद्धांत के लिए। देखिए अभी अभी आपको मैं आपको आप देखिए
आप लोगों को मैं यही बताऊं कि ये सुनाओ बाबूलाल मरांडी जी, सुदेश महतो जी, ये सारे नेताओं का नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आपको बताया जाएगा। एक एक करके सुनिए ना, एक ही दिन में पेपर का हेडलाइन क्यों ले। अशोक भाई देखो, इतना ही बात है, जो हमारा पास इंफॉर्मेशन होता है हम लोग शेयर करते हैं, उससे ज्यादा अब हमें इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हम कहां से दूंगा बताइए। देखिए झारखंड का सारा कार्यकर्ता हमारा बड़े नेता है, कल भी आपको सारे सूची मिल जाएगा, नहीं तो परसों मिल जाएगा, हम अटकले क्यों लगाते हैं। और हमारे लेवल में अगर आप हम मैं आपको हिंट देना शुरू करता हूँ, ये ठीक है, आप देखिए आज कृपा करके आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है कि हमने एनडीए का सीट शेयरिंग कंप्लीट कर लिया, और उससे बड़ा न्यूज आज आपके लिए क्या हो सकता है। देखिए नहीं, वो प्रॉब्लम वो नहीं, जब अपोनेंट का नामांकन हम लोग देखता हूँ तब स्ट्रेटेजी के लिए हर चुनाव में एक दो सीट ट्रेवल करता है। अभी जेएमएम और कांग्रेस का सूची हमारा सामने नहीं है, तो ये डिस्कशन इसके लिए हमें लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजिकल रीजन का कारण हमने रास्ता हमेशा थोड़ा खोल के रखा, इसलिए मैं अगर आपको आधा प्रूफ बोलो फिर बोलेगा हिमंत जी आप तो बोला था सारे कंप्लीट हो चुका है, आज ये सीट आसो में कैसे गया, आज ये सीट बीजेपी में कैसे आया। तो कुल आंसर यही है कि हम रास्ता बंद नहीं करता हूँ, जब चुनाव का आखिरी नामांकन का 4 बजे समय नहीं आएगा तब तक हम थोड़ा रास्ता खोल के रखना। और ये जो हम बोला ना एक दो सीट का बाकी है, उसी सिलसिला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीट के लिए खटास है, कोई सीट के लिए झगड़ा है, वो नहीं है। आपको हमारा हाथ में जो सीट है कोई सीट है, कल सामने वाला का कैंडिडेट देखने का बाद अगर हमारा लगे कि थोड़ा इधर उधर होने में हमको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ा हूँ, हम तो उसी रास्ता में चला जाऊंगा। देखिए जो जेएमएम भी जाएगा हमारा ही है, हमको सबको शुभकामना है, हमारा झारखंड का विकास हमारा लक्ष्य, कौन कहां जाते हैं वो बात बहुत मायना नहीं रखता है, सुनाओ झारखंड का विकास के लिए है। अगर तो हम सुनाओ, कोई ऐसा नहीं है, जो भी जाए अच्छा हो, लोग अच्छा सरकार सुने, लोग प्रभावी सरकार सुने, झारखंड का एक बहुत बड़ा विकास हो, भारत का पहला पास स्टेट में झारखंड का नाम आए, ये बड़ा मुद्दा है। कौन कहां जा रहा है ये हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। आपको मैं आपको दोबारा आंसर देता हूँ, आसो जनता दल और लोकसभा का साथ कोई सीट का सरसा और बाकी नहीं है। क्या बाकी है स्ट्रेटेजी के लिए, अगर हमें लगता है कि कोई एक सीट में दो सीट में आसो आगे और लड़ने से आसो हमारा गठबंधन गठबंधन का फायदा के लिए हम नामांकन का अंतिम तिथि तक
पूरा रास्ता खोल के रखता हूँ। जब बीजेपी का भी सीट अनाउंसमेंट होगा तो आपको लगेगा सरसा और स्ट्रेटेजी। और सुदेव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि आज से हम लोग एनडीए का हिसाब से सोचूंगा, अभी हम बीजेपी और आसू का हिसाब से आज से नहीं सोचूंगा, यहां से आगे हम एनडीए का हिसाब से ही आंसर करूंगा, एनडीए ही हमारा प्रमुख रहेगा। और आज से बीजेपी क्या होगा आसू क्या होगा ये खत्म, आज से हम एनडीए। हाथ मिला कर आप ऊपर कर रहे हैं विजय का हाथ उठाना।